66 फीट रोड पर स्थित बने नगर निगम के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर नगर निगम की ओर से वहां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाया जा रहा है, जिसको लेकर आसपास की कॉलोनियों के लोगों ने नगर निगम के अधिकारियों से मिलकर कई बार इसे हटाने की मांग की, लेकिन जब कोई नई सॉल्यूशन निकला तो मजबूरन निवासियों को धरना देना पड़ा। जानकारी देते हुए कमलप्रीत सिंह ने बताया कि नगर निगम के अधिकारियों को हम पिछले कई दिनों से यही कह रहे थे कि यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, इसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट ना शुरू किया जाए, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर रोजाना सॉलिड वेस्ट कूड़ा फेंका जा रहा है, जिसको लेकर आज नगर निगम के खिलाफ धरना दिया गया। धरने को देखते हुए निगम की एक महिला अधिकारी मौके पर पहुंची और जेसीबी ट्रक लगाकर कूड़े को हटवाया जा रहा है। सर, ये धरना असी ऑलरेडी प्रशासन नूं 5 दिन तो रिक्वेस्ट कर रहे सी कि असी ये धरना लान जा रहे हैं। ये वास्ते असी बहुत बेनती की कि इत्थे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, इत्थे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट नहीं है, इस करके इनू कृपा करके इत्थे कूड़ा ना सुट्टिया जाए। ये अंदर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है तो सिर्फ वैट वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है। वैट वेस्ट मैनेजमेंट भी इतों के स्लैज तो बनने वास्ते वैट वेस्ट लगाया गया, उदियाँ पिट्स है। तो जे तुसी मीडिया नूं असी रिक्वेस्ट करते हैं अंदर जाओ, अंदर जाके देखो शराब दियाँ बोतलां, प्लास्टिक, गंद सारा पिया और एक हीप बनाता बहुत बड़ा है। इन्होंने दिल्ली के कूड़े के पहाड़ वर्गा एक पहाड़ बनाता अंदर, जिन्हों फाइनली जे असी 1% भी गलत होंगे तो तुसी सामने देखो जी, सामने टिप्पर लैके तो यह कूड़ा चुकन आ गए। साडी एडिजेशन